दिमाग की बुखार है, उनको एक ही भाषा पढ़ रखी, तमिल भाषा पढ़ रखी, उसी में उत्तर देगा। कागज इनको दे दिया, वो इनको बताते हैं, इनको पता कुछ है नहीं, इनको कहीं को बैठा रहे, खेती जानते नहीं, पर भी बीमारी है कुछ ना कुछ, बीच में बोल देगी, रुक जाओ एक मिनट। पिछले कई महीनों से किसान नेता राकेश टिकैत काफी सुर्खियों में हैं और संबित पात्रा भी अक्सर डिबेट्स में दिखाई देते हैं। आज इस वीडियो में बात राकेश टिकैत और संबित पात्रा की करेंगे और कुछ ऐसे डिबेट्स देखेंगे जिनमें वो दोनों आमने सामने आए। इंडिया टीवी पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में भी राकेश टिकैत से बात करने के बाद उन्हें संबित पात्रा को भी जवाब देने को कहा, जिस पर राकेश टिकैत ने मना कर दिया, पर एंकर के पूछने के बाद उन्होंने संबित पात्रा पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। जी चाहिए जी, संबित पात्रा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी से। संबित जी स्वागत है आपका भी, सुन रहे थे बहुत देर से बातचीत राकेश जी के साथ। इनको जी को तो आप बात कर लेना ना इनसे जी, इनसे तो बात कर लेना, क्योंकि मुझे दूसरे उस पर भी जाना, हम इनसे कहीं की भेज करे तो उनसे को दिमाग की बुखार है, उनको एक ही भाषा पढ़ रखी, तमिल भाषा पढ़ रखी, उसी में उत्तर देगा। कागज पत्र इसके काक में दे दे, उन्हें ये पढ़ता है, क्या आप जवाब देंगे इसका? तो हिंदी से बोलो ना ना सरब जी, बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं, तमिल भाषा के प्रति ये जब ट्रैक्टर में बैठ के फोटो खिंचवा होगा, ये ना ये तमिल भाषा में अच्छा है, इनके जो बड़े लोग हैं जो ने कैद बंद कर रखे हैं उनमें करेंगे, इनका कोई जवाब नहीं देते भाई आप में। अब जो धोखेबाज वो है भाई, ये ना काम करे करो आप ठाओ किसी को चैनल पर बैठा दो, ठाओ किसी को चैनल पर बैठा दो, आप तमिल भाषा इन्हें हटा करो चैनल पर, कोई और आदमी भी तो होगा, सरकार को कोई आदमी हो तो बैठा करो, इनकी बात चलती है नहीं सरकार में, इनकी सरकार है नहीं। आज तक पर भी किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में भी जब एंकर ने संबित को राकेश टिकैत के सवालों पर बोलने को कहा तो राकेश टिकैत गुस्से में दिखे, जिसके बाद दोनों के बीच बहस भी हुई। जोन से महात्मा गांधी की हत्या करके और हत्या करने वाले को मंदिर बनवाते हो, चित्रा जी पूजा मैं करते बहुत हो, शांति से सुन रहा हूं, ये नहीं है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी बोला जाए, आप मैं बात नहीं करता नहीं, जी सुन लो मुझे मैं चित्रा जी आपसे बात करूंगा, ये बेहुदे लोगों से मैं बात ही नहीं करता, मैं वन टू वन आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करता, आप कट करके कौन है बीच में आ रहा है, हटाओ इसको, ये गाली देंगे बीच में, महात्मा गांधी आप कह रहे बोलेंगे हम सुनेंगे बीच में, मैं हम बात नहीं करते हैं उनके साथ, आपकी भी कुछ नहीं चलती, आप जोड़ा टांगने वाले लोग हो बीजेपी में, चित्रा जी कुछ नहीं चलती आपकी भी, आपको तो क्या कागज दे रखे, टीवी पे बैठो और अपना बात बताओ, जनता को बहकाओ, आपकी क्या चलती है, आपके तो जो बड़े नेता हैं उनकी बोलने की हिम्मत भी नहीं है, वे तो कैद है घरों में जिन्होंने पार्टी बनाई थी, चित्रा जी अगर हो गया हो तो मैं बात कर लूं प्लीज, चित्रा जी पार्टी गई देश में, अगर बीजेपी की, चित्रा जी बोलो भाई, कोई किसी कोई मर्ज है कुछ। न्यूज 18 पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। डिबेट में एंकर ने राकेश टिकैत द्वारा उठाए सवालों पर संबित पात्रा से जवाब लेना चाहा, पर राकेश टिकैत ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन पर टिप्पणी की, जिसके बाद संबित पात्रा भी गुस्से में नजर आए। लेकिन संबित पात्रा एक एक सवाल का जवाब, बड़े सारे आरोप आपकी सरकार पे लगे हैं, आपकी पार्टी पे लगे हैं, वो दे देंगे, अब मुझे किसी के सवाल का जवाब नहीं देना, मैं आपसे वन टू वन करना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेकिन देखिए अब आपने टिकैत साहब आपने कई सारे सवाल, धन्यवाद, मैं जो जो देखिए ऐसे धन्यवाद, आप 10 मिनट का और वक्त दीजिए होने इन पे, जी जी देखिए पैरल पे संबित पात्रा भी है, ऑफिस से कागज इनको दे दिया, वो इनको बताते हैं, इनको पता कुछ है नहीं, इनको कहीं को बैठा रहे, खेती जानते नहीं, ये पहले अपना अगर ये किसान के बारे में बात करना चाहते हैं, पहले ये ट्रैक्टर पे बैठ कर अपना फोटो खिंचवावे, जब हम मान लेंगे किसान की भी बात करते हैं, और जब तक कोई नेता ट्रैक्टर पे बैठ के तो राहुल जी अब आपके नेता उन्होंने ट्रैक्टर पे फोटो खिंचवा लिया, आपका सवाल न दूंगा। पहली बात तो है मैं व्यक्तिगत नहीं हूंगा, इन्होंने कहा ये तो आते हैं ये किसानी के बारे में कुछ जानते नहीं, ये ट्रैक्टर में बैठे हैं क्या, क्यों ये राहुल गांधी बड़ा जानता है ज्वार बाजरा क्या है, ये राहुल गांधी बड़ा जानता है आलू ऊपर होता है या नीचे होता है। आज तक पर किसान आंदोलन के विषय में डिबेट में जब संबित ने अपना जवाब दिया तो राकेश टिकैत से एंकर ने पूछा, जिस पर राकेश टिकैत ने संबित पर टिप्पणी की। वहाँ हो रही है भाई, हम ये कह रहे हैं कि क्लोज को क्लोज, ये सरकार में क्या है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। जी मैं जवाब, हम भारत सरकार से कोई मंत्री हैं तो उससे बात कर लेंगे और उसको आप जवाब दे देंगे। एक मिनट रुक जाओ भाई, उम्र भी बीमारी है कुछ ना कुछ, बीच में बोलने की, रुक जाओ एक मिनट। देखो ना, ना तो आप बोल रहे थे तो मैं कहां आपको बीमारी कह रहा, निकाल रहे इनकी पार्टी खत्म होगी, जो इनके नेता है वे बंद कर रखे, ठीक है, इनको तो अपनी बात कहनी, और कहीं कुछ नहीं मिलता तो भाई यही बात कह लो, चैनल मिल गया तो बात कर लो,
ये तो जैसे भट्टे पे मुंशी होते हैं ना, ये वे हैं। इनको कितनी पथेर हुई, कितनी लेबर को पैसा जाना, जोड़ा इनके काक में दे दिया, उसमें से कागज दे दिए, आपको बोलना है। ये यार मेरा भी अधिकार नहीं है और अंजना ओम कश्यप का भी अधिकार नहीं है, ना टिकैत जी का अधिकार है देश की जनता के सामने अहंकार को रख। हम क्या हैं क्या हम भगवान की इस दुनिया में क्या चीज है हम, जो हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे। आपको संबित पात्रा और राकेश टिकैत की डिबेट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए पंजाब टुडे टीवी के साथ। धन्यवाद। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।